नूरुद्दीन संगी, मैंने कहा था ना होशियार। इस्मत खातून, इस्मत खातून, काश के तुम एक दयानतदार दुश्मन की तरह मेरा सामना करती। काश के तुम मेरी रियासत के खजाने पर हाथ डालने की नापाक हरकत ना करती। कुछ कहने से पहले सच्चाई तो जान लीजिए एक बार। मैं उस सोने के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। कारा तेगिन का किया धरा है। क्या सलीबियों के साथ मिलकर अपने तौर पर साजिश की उसने? तुम ये भी नहीं जानती क्या? उसका बकौल उसके इस साजिश से कोई ताल्लुक नहीं। ग्रेगोर ने खुद एतराफ किया है मुझसे, तुम्हारे उस गद्दार भाई ने सलीबियों के साथ मिलकर साजिश की और उसी साजिश के बदले उसे ये सोना दिया गया। मेरे सामने अगर सोने के अंबार भी लगे हो तो मैं परवाह नहीं करता, लेकिन वो सोना रियासत की अमानत है। वो गरीबों मिस्कीनों का हक है, तुम उसका एक जर्रा भी नहीं रख सकते। इसी वक्त वो सोना लौटा दो मुझे। सरदार कारा तेगिन ने वो सोना तुम्हारे भाई से हासिल किया था। अगर वो सोना इतना ही जरूरी है तो जाकर अपने भाई से ले लो, हम एक जर्रा भी नहीं देंगे। हम अस्कलान उनसे वापस लेने जा रहे हैं ताकि तुम अपने वतन में आबाद हो सको, लेकिन तुम इसके बदले में उल्टा दुश्मन के साथ मिलकर हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हो। किसी से भी इत्तेहाद कर सकता हूँ सिवाय तुम्हारे। मेरे होते हुए तुम अस्कलान को अपना घर कभी नहीं बना सकते। कभी आईने में अपनी शक्ल देखी है? तुम एक झूठे धोखेबाज हो, और वो सलाहुद्दीन जिसे अपना बेटा कहते हो वो भी किसी और का खून है। तुम्हारे अपने सगे भाई ने तुम्हारे खिलाफ बगावत कर दी। मुझे साजिशी कहने वाले, अपने खानदान पर नजर डालो। रुक जाए। आप मेरे सामने मेरी पनाह में आए किसी शख्स को कत्ल नहीं कर सकते। मैं जहर उगलने वाली सारी जबानें काट डालूंगा। हट जाओ। नहीं हटूंगी। आपने खुद कहा था अस्कलान की फतह से पहले कबाइल से दुश्मनी खत्म करनी है। अगर आप इन्हें कत्ल कर देंगे दुश्मनी खत्म नहीं होगी, बढ़ेगी। मैंने ये भी तो कहा था कि ऐसा कुछ हुआ तो मैं रुकूंगा नहीं इस्मत खातून। आज के बाद सिर्फ मेरी तलवार बात करेगी। तो फिर आपकी तलवार सबसे पहले मेरा सर कलम करेगी। एक नादान की वजह से अपने आप को खतरे में मत डालो। अगर कोई नादानी कर रहा है तो उसकी नादानी की सजा मुझे देना होगी। आप यहाँ सोना लेने आए हैं जो आपका हक है, इसके अलावा कुछ और करेंगे तो ये गलती होगी आपकी। एल्बुके, सोना लाया जाए। कारा तेगिन को कैसे संभालेंगे आप? जो कहा है किया जाए। मैं अस्कलान को फतह करने जा रहा हूं, और अगर मेरे खिलाफ किसी ने किसी भी तरह साजिश की कोशिश की और मेरे रास्ते में मामूली सी रुकावट भी आई, जिम्मेदार तुम होगी। और यहाँ किसी एक शख्स को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। सब कुछ तबाह बर्बाद कर डालूंगा मैं। याद रहे, मेरी तलवार से तुम भी न बच पाओगी।